अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज रिटन आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को किसने लिखा है? तो उसे बर्ट्रैंड रशेल ने लिखा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ट्रैंड रशेल वाज अ फिलोसोफर एंड अ डैश, यानी बर्ट्रैंड रशेल एक फिलोसोफर थे और वो क्या थे? तो वो फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन थे और मैथमेटिशियन भी थे। ये क्वेश्चन 2018 में आपको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हिस्टोरियन भी हो सकता है और मैथमेटिशियन भी हो सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपका जब ये दोनों ऑप्शन है तो आप किसे टिक आउट करेंगे? आप दोनों को टिक आउट कर सकते हैं, वैसे मैंने हिस्टोरियन लिख दिया है यहां पर, ये गलती हुई है बोर्ड से, इसे दोनों ऑप्शन नहीं देना चाहिए था। एक और ऑप्शन यहां पर आप जियोलॉजिस्ट देख रहे हैं, तो जियोलॉजिस्ट उसको कहते हैं जो जमीन के अंदर जो चीजें होती हैं उसकी स्टडी करता है, उसको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ट्रैंड रशेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन डैश, बर्ट्रैंड रशेल को नोबेल प्राइज कब मिला था लिटरेचर के लिए? तो 1950 में मिला था, ये पिक है वो अवार्ड लेने के वक्त की। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड्स टू फ्रीडम वॉज रिटन बाई, यानी रोड्स टू फ्रीडम किसने लिखा था? तो उसे बर्ट्रैंड रशेल ने लिखा था, ये इनकी लिखी हुई एक बहुत मशहूर बुक है। The next question, according to the chapter, what helps a mankind? इस chapter के according क्या है जो mankind को help करता है? तो वो है idea, यानी इंसान के विचार। The next question, survival was always a problem for Dash. Survival हमेशा किसके लिए एक problem रही? तो survival कहते हैं जीना, आजीविका। Rana Tigrina, Power Crystasis, Homo sapiens and animals. तो सही option होगा Homo sapiens. ये इंसान का साइंटिफिक नेम है, ये जो ऑप्शन है राना टिग्रिना मेडक का साइंटिफिक नेम है, पावो क्रिस्टासिस ये मोर का साइंटिफिक नेम है, तो सही ऑप्शन है होमो सैपियंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्किल्स प्ले अ मोर इंपॉर्टेंट रोल देन द कंजेनिटल वंस, यहां पे जो आप देख रहे हैं कंजेनिटल, इस वर्ड का मतलब होता है जन्मजात पैदाइशी, यानी वो कौन सा स्किल है जो कंजेनिटल स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एडोलेसेंट चाइल्डहुड एक्वायर्ड, यानी एडोलेसेंट कहते हैं किशोरावस्था की उम्र, चाइल्डहुड बचपन, न्यू नया, एक्वायर्ड कहते हैं अर्जित किया हुआ गुण। तो वो कौन सा गुण है जो कंजेनिटल स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो वो है एक्वायर्ड स्किल। अब मैं आपको बता दूं कि दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों में फर्क ये होता है कि वो स्किल जो हमारे पास बचपन से है उसको हम कंजेनिटल स्किल कहते हैं, और वो स्किल जो हम यहाँ आकर के सीखते हैं, लर्न करते हैं अपनी मेहनत से, तो एक्वायर्ड स्किल कहलाता है। जैसे एनिमल्स में क्लाइंबिंग, फिशिंग, हंटिंग एंड फ्लाइंग, दीज ऑल आर एक्वायर्ड स्किल्स, एंड इन मैन द एक्वायर्ड ट्रेड्स आर दिस इज सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिक, साइकिलिंग, दीज ऑल आर एक्वायर्ड स्किल्स, ये इंसान आकर के सीखता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 1946-7 अ ग्रेट परसेंटेज ऑफ बर्ड्स एंड ह्यूमन डाइड ड्यू टू डैश, 1946-47 के पीरियड में क्या था जिसके वजह से बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल मर गए, वो कौन सा डिजास्टर था? फ्लड, अर्थक्वेक, हंगर और वॉर। ये हंगर था, नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये जो हंगर है फैमिन, विंटर हंगर कहते हैं इसको। वो उस जमाने में इंग्लैंड में, यूरोप के बड़े हिस्से में था, ये जो भूख है हंगर की वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे उस जमाने में। अगर यहाँ पे फैमिन आता तो वो भी सही ऑप्शन था। The next question, the most indubitable aspect in which ideas have helped mankind is dash. Indubitable बोलते हैं बिना शक के, वो कौन से ideas थे जिसने मानव जाति की बहुत मदद की? तो वो था numbers, ये most important ideas था। The next question, Bertrand Russell belongs to dash. Bertrand Russell कहाँ से belong करते हैं? तो आप बता सकते हैं पीक से ही, Tower Bridge, London। ये जो symbol है ये England का है, तो सही आंसर है इंग्लैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रशेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट द आइडियाज ऑफ प्रीहिस्ट्रिक टाइम्स, बर्ट्रैंड रशेल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन से आइडियाज थे जो प्रीहिस्ट्रिक टाइम के नहीं थे, यानी हिस्ट्री से पहले के, जब एविडेंस मिलने लगा राइटिंग एविडेंस तो वो हिस्ट्रिक टाइम्स हुआ, ये प्रीहिस्ट्रिक टाइम्स यानी इतिहास से पहले का समय। तो ऑप्शन आपके पास, इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टेमिंग ऑफ एनिमल्स। तो आप पिक से ही बता सकते हैं इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज नॉट द आइडिया ऑफ प्रीहिस्ट्रिक टाइम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी टाइप्स हैज रशेल डिवाइडेड द आइडियाज,
रशियन ने आइडियाज को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तो दो पार्ट में, पहला नॉलेज एंड टेक्निक्स, दूसरा मोरल एंड पॉलिटिक्स। ये ठीक अगले क्वेश्चन में है। द टू आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड द मैनकाइंड वर नॉलेज एंड टेक्निक्स एंड डैश, तो वो होगा मोरल एंड पॉलिटिक्स, यानी दो आइडियाज जिन्होंने मैनकाइंड को कंट्रीब्यूट किया, मानव जाति को कंट्रीब्यूट किया, वो कौन कौन से थे? तो वो नॉलेज और टेक्निक था, और मोरल और पॉलिटिक्स था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी स्टार्टेड इन डैश इन एंशियंट टाइम्स, यानी मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी की स्टडी एंशियंट टाइम में कहां शुरू हुई? अरब, ग्रीक, बेबीलोनिया, जापान। ग्रीक नहीं, वहां पे ग्रीस होगा, तो इसका सही आंसर है बेबीलोनिया। ये अभी ये आप सद्दाम हुसैन की पिक देख रहे हैं, ये इराक में पड़ता है बेबीलोनिया, प्रेजेंट इराक में। ये जो बेबीलोनियन एम्पायर है, मेसोपोटामियन एम्पायर भी आप कह सकते हैं इसको, 606 टू 536 BC इसका पीरियड है। ये जो एरिया है ये बेबीलोनिया का एरिया है, वो प्रेजेंट टाइम में इराक में पड़ता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? तो वो थे चार्ल्स डार्विन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द डॉन ऑफ डैश, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट स्टेप्स लिए जा चुके थे किसके उदय से पहले? तो हिस्ट्री के उदय से पहले। ये जो वर्ड देख रहे हैं आप डॉन, यहाँ पे डॉन कहते हैं उदय को, शुरुआत को। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटिलाइजेशन ऑफ डैश प्रूव टू बी अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी किसका यूटिलाइजेशन एक मील का पत्थर साबित हुआ? माइलस्टोन बोले तो मील का पत्थर, तो फायर का यूटिलाइजेशन। और ये जो आप वर्ड देख रहे हैं यूटिलाइजेशन यहाँ पे, तो यूटिलाइजेशन कहते हैं उसका उपयोग, उसका प्रयोग, इस्तेमाल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन इज प्रीसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डैश। ये जो स्टार्वेशन आप देख रहे हैं, स्टार्वेशन का मतलब होता है भुखमरी। हर इंसानी मौत जो भुखमरी से होती है उसके पीछे एक लंबा पीरियड होता है, किसका? तो एंजाइटी का, चिंता का, परेशानी का। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन्स आर द नेशनल बर्ड ऑफ डैश, यानी रॉबिन कहाँ का नेशनल बर्ड है? तो वो इंग्लैंड का नेशनल बर्ड है। ये रॉबिन चुड़िया है, ये इंग्लैंड का नेशनल बर्ड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रीहिस्ट्रिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ डैश, यानी सबसे लास्ट और महान प्रीहिस्ट्रिक इन्वेंशन जो था वो क्या था? गाना, जानवरों को पालतू बनाना, एग्रीकल्चर, कृषि और राइटिंग। तो लास्ट प्रीहिस्ट्रिक इन्वेंशन था राइटिंग।